सतनाम सत साहब, आजकल कल के अवतार जी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है और इंटरनेट पर बहुत से लोग कल के बन रहे हैं, वह कह रहे हैं, लेकिन क्या है? देखिए, जानते हैं कि क्या होगा। कल के अवतार जी को कल के अवतार बनने में, वह दूसरे लोगों से कहलवाने में, वह दूसरे लोगों से इस शब्द को सुनने में आनंद नहीं आएगा, बल्कि उसे तब महा आनंद प्राप्त होगा, वह अनुभव होगा, जब उसके द्वारा बताए गए आदर्श धर्म के जो नियम होंगे, आदर्श सत्य धर्म पर सभी मानव चलकर मुक्ति को अपने अपने ही धर्म के अनुसार प्राप्त करेंगे, तब वह ज़्यादा आनंदित होंगे। तो कहलवाने में तो उन्हें आनंद है ही नहीं, ये तो निश्चित है। जैसे एक वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ता को अपनी रचना को देख करके महा आनंद प्राप्त होता है और वह उस रचना के अनुसार ही तो वैज्ञानिक बना है, दुनिया वाले व्यक्तियों की नज़रों में जो एक वैज्ञानिक हुआ है, वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? जब वह किसी रचना कर देता है, कोई आविष्कार कर देता है, तब वह व्यक्ति वैज्ञानिक होता है। बिना आविष्कार के वैज्ञानिक नहीं कहा जाता, बिना खोज किए हुए असफल या खोज में असफल हुए तो वह एक साधारण व्यक्ति ही होता है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अपने आप को कल के कहने में आनंद न लेकर के, बल्कि कुछ अच्छा करके समाज को परिवर्तित करने की और अग्रसर हों, या जो एक धर्म का मार्ग है उस पर अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। और उस पर महत्वपूर्ण सहयोग होता है कि यदि आपके द्वारा आपके आसपास के व्यक्तियों का मन पवित्र हो जाए तो इस परिवर्तन की घड़ी में और इससे बढ़कर कोई योगदान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का पवित्र होना ही परिवर्तन का मूल आधार होगा, सतयुग का मूल आधार होगा। सतनाम सत्साई।